मैच से जुड़ी हुई तमाम खबरें बताएं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर एक युवक गिरफ्तार किया गया है, लैंडमार्क होटल को उड़ाने की धमकी दे रहा था। और ये कौन है युवक, किस संगठन से ताल्लुक रखता है, ये अभी जांच का विषय है, उसको थाने लेकर जाया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है सुरक्षा के लिहाज से। कल भी इसी तरह की एक खबर आई थी जिसमें कि जेड स्क्वायर मॉल को उड़ाने की बात कही गई थी। क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन भी यहां पर जुड़ते हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है और इस वक्त जिला प्रशासन हो, यूपीसीए हो, हर किसी की जिम्मेदारी आज के वक्त में यही है कि सकुशल मैच को संपन्न करवाया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है, होटल लैंडमार्क के मैनेजर के पास में ये कॉल आई और जिस युवक ने कॉल किया बहुत ही तत्परता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जी सुनील, हम आपसे जानेंगे फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कौन है ये युवक, उससे क्या पूछताछ हो रही है? ये जो युवक है ये दीपक अग्रवाल नाम बताया जा रहा है इसका। इसको अभी कुछ देर पहले लैंडमार्क होटल को उड़ाने के लिए इसने एक फोन पर धमकी दी है, लेकिन जिस तरीके से अब जब पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है, तो इसका कहना है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये फोन कैसे कॉल गई और किसने किया है। फिर लेकिन पुलिस फिलहाल यही अभी मान रही है कि इसने कुछ ना कुछ शरारत की जिसके चलते अचानक पूरा एक दहशत का माहौल हो गया। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि जो लैंडमार्क होटल है उसमें ही जो दोनों टीमें रुकी हुई हैं, इसके साथ साथ तमाम जो विदेशों के तमाम जो अधिकारी हैं और जो विदेशों के तमाम दूसरी मीडिया भी है वो भी वहीं पर रुकी हुई है। इसके चलते लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी की गई है उसके बाद से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इस व्यक्ति को कोतवाली थाने ले जाकर के वहां पर पूछताछ की जा रही है। जी मनीष, ये भी जानेंगे क्योंकि इस वक्त पूरे कानपुर को अभेद सुरक्षा से पाट दिया गया है, जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ऐसे में अब पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई इस तरह की घटनाएं? देखिए जिस तरीके से पुलिस ने जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो पूरा उसका खाका तैयार किया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसी प्रकार की खामी तो नजर नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से इसको फोन कॉल्स की गई उसको लेकर के पुलिस की ये अगर कहें कि एक तत्परता ही थी कि फोन कॉल्स आने के आधे घंटे के भीतर उसको दबोच लिया गया। इसके चलते ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो पुलिस ने व्यवस्था की थी वही एक कारगर व्यवस्था थी, उसके चलते हुआ कि इसको दबोच लिया गया। जबकि अभी बता दें कल ये एक लैंडमार्क होटल से कुछ दूरी पर जो एक जेड स्क्वायर मॉल है उसको भी उड़ाने की धमकी आई थी, उस व्यक्ति को पुलिस अभी तक जब नहीं गिरफ्तार कर सकती है। इसके चलते जिस तरीके इसको अरेस्ट किया गया इसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चौक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस और उसके साथ सीआईएसएफ की जो टीम है वो निगरानी रखे हुए, इसके साथ साथ एक शॉर्ट टीम को भी तैनात किया गया है और जो एलआईयू है उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो एक स्टंप पूरा लगाया गया है एक एलआईयू की जो टीम लगी हुई उसके चलते ही इसको दबोचा गया और उसके अभी पूछताछ की जा रही है। सुनील, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर लैंडमार्क होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी होटल लैंडमार्क में रुके हुए थे, होटल के मैनेजर के मोबाइल पर यह फोन आया है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सुनील, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि मैच शुरू हो चुका है और दर्शक दीर्घा में चारों तरफ लोग पहुंच चुके हैं, क्या ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर कुछ किसी तरह की खास बात जो आप बताना चाहें दर्शकों के लिहाज से? मुझे लगता है कि संपर्क टूट चुका है। हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता ये जानकारी दे रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि होटल लैंडमार्क के लिए उड़ाने की बात इस युवक ने कही। ये भी जानना दिलचस्प होगा या फिर यूं कहें कि ये जानना बहुत जरूरी भी है कि क्या युवक ये अकेला है या इसके साथ में कुछ और लोग भी हैं, क्या वाकई ऐसी कुछ प्लानिंग है, क्या वाकई कोई ऐसा ग्रुप है जो कि नापाक इरादे रखता है। ये तमाम चीजें हैं जो कि सुरक्षा एजेंसियां इस युवक से बात करके और ये सब जानने की जरूर कोशिश करेंगी। लेकिन एक अहम घटनाक्रम हम आपको बता दें और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसमें कि होटल लैंडमार्क को उड़ाने की धमकी दी गई, जिस संदर्भ में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। ये मामला यहाँ पर खत्म समझा जाए या न समझा जाए ये सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ इस पूरी खबर से इतना तो जरूर तय है कि तमाम जो सुरक्षा में एजेंसियां लगी हुई हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, वो तत्पर है और उनकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर हम कहें आज के वक्त में तो सकुशल मैच ये संपन्न हो जाए और जब तक साउथ अफ्रीका की टीम या टीम इंडिया यहाँ पर रुकी हुई है तब तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए निश्चित तौर पर चुनौती का एक ये विषय है कि सुरक्षा महत्वपूर्ण
उनके लिए एक प्राथमिकता पर आज के वक्त में सुरक्षा प्राथमिकता पर है। बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त मिल रही है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है इन खिलाड़ियों को सुरक्षा देना, क्योंकि इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और सभी गतिविधियों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां पर होटल के मैनेजर के मोबाइल पर यह फोन आया है और फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धमकी देने वाले इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल अब सब